आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर नया वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला है हमारा टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो कि पिछले विषय में आपने देखा कि फर्स्ट वीडियोस में जो एलोट्रॉपीज पर था, तो एलोट्रॉपीज के मेन प्रॉपर्टीज क्या थे, मींस दोज कार्बन एटम्स हैज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। मतलब कि एलोट्रॉप्स कौन से हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। तो यहाँ पर मेन टॉपिक जो हमारा डिपेंड कर रहा है कि मींस ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉप्स के विषय में ये चीज क्लियर हो गई कि ऐसे कार्बन एटम्स जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स के विषय में हमें विशेष तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन करना है। पहला है हमारा ग्रेफाइट। इससे पहले हमने डायमंड्स के विषय में काफी कुछ रीडिंग किया। ग्रेफाइट का नाम लेते ही आप लोगों का इसका मैक्सिमम यूज आपके सामने दिखाई देने लगता है कि छोटे बच्चे जो स्टडी का फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो क्या करते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, कॉपी लेते हैं, तो कॉपी और पेंसिल के बीच में जो राइटिंग वर्क करता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट लीड होती है। अब आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ग्रेफाइट कितनी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन ये किससे प्रिपेयर होती है, कार्बन एटम्स से। कार्बन एटम्स का एक फीचर्स होता है जो एलोट्रॉप्स के माध्यम से आता है और वो एलोट्रॉप्स क्या होता है, सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक, इसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक मतलब भूरे काले रंग का, अर्थात एक ऐसा कलर होता है जो भूरा और काला रंग से मिक्सअप होता है, ओपैक। ओपैक का मतलब क्या होता है, पूर्णतया वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे को दिखाई देना, लेकिन ओपैक क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है, तो नॉन ट्रांसपेरेंट उसको कह सकते हैं। तो ओपैक का मतलब पूर्णतया वो ना दिखाई दे, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे को ना देख सकें। सब्सटेंस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विशेषता क्या होती है, काले और भूरे रंग का होता है, काला भूरा रंग का मिला हुआ रूप होता है, ओपैक होता है मतलब कि अपारदर्शी होता है। इट इज लाइटर देन डायमंड, और यह क्या होता है, डायमंड से हल्का होता है, मतलब कि ये स्वयं कंपेरिजन कर रहा है कि यहाँ पर डायमंड के विषय में आपने देखा कि सामान्य तौर पर वो क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, और ये ग्रेइश ब्लैक होता है, ये डायमंड से हल्का होता है। तो इन विशेषताओं के साथ हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेफाइट की तुलना एक तरह से हम कर दे रहे हैं डायमंड के साथ। स्मूथ, स्मूथ होने का मतलब कि ये सामान्य तौर पर जो लेयर होती है इसके ग्रेफाइट की वो चिकनी होती है, स्मूथ माने चिकना होना। एंड स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब वो आसानी से फिसलती रहती है, कहने का मतलब इसका यूज हम राइटिंग में कर सकते हैं या अदर वर्क्स में, कहीं भी हम इसकी लेयर वगैरह डिजाइन करना चाहें, कोई फिगर बनाना चाहें, तो ऐसी सब जगहों पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। स्लिपरी टू टच, यहां तक कि ग्रेफाइट को अगर हम टच करते हैं तो वह स्लिप करती है, जबकि डायमंड में क्या होता है, हार्डनेस होती है, ग्रेफाइट उसकी अपोजिट हो गई। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि आप लास्ट वीडियोज में देखा कि डायमंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, वो किसका गुड कंडक्टर होता है, हीट का होता है, और यहाँ जस्ट उसके अपोजिट है कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये कॉन्सेप्ट तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गए होंगे कि पहली बात तो डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, स्मूथ, स्लिपरी, और साथ में इसमें अन्य फीचर्स क्या होते हैं, ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, ओपैक होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखने से पता लगता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में काफी कुछ डिफरेंसेस हैं, या ये कह सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साथ में सबसे मेन फीचर्स क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, कौन, ग्रेफाइट, जबकि डायमंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, या हम कह सकते हैं कि वो कंडक्टर नहीं होता है।
सेम कंडीशंस में डायमंड हीट का कंडक्टर होता है जबकि ग्रेफाइट हीट का कंडक्टर नहीं होता है। तो पहला फीचर्स ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और एलोट्रॉप्स होने के साथ साथ दोनों में कुछ अंतर भी है, तो इसी के कारण एलोट्रॉप्स का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको विशेष तौर पर हम कार्बन एटम्स के विषय में पढ़ना आवश्यक समझते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेम कंडीशंस में अगली बात करते हैं तो ग्रेफाइट का रियल लेयर क्या है, क्रिस्टलाइजेशन स्टेज क्या है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन सारी विषय में भी हमें जानना जरूरी होता है क्योंकि लास्ट वीडियोस में आपने देखा सामान्य तौर पर डायमंड के जो आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग था उनके माध्यम से ज्वेलरी का क्या उपयोग होता है, इन सारी चीजों में आपने देखा डायमंड के विषय में। तो आज हम किस में बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्रिस्टल क्या होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर, ये क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं आप कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का एक लेयर होता है आर सीट्स ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कार्बन एटम्स के द्वारा जो सीट बनी होती है। सीट बनी होने से मतलब क्या होता है कि उसकी एक लेयर को पहले से प्रिपेयर कर दें, आपस में कार्बन एटम्स को इस तरह से एक दूसरे से टच करा दें कि वो एक लेयर सीट के रूप में काम करने लगे। ईच कार्बन एटम इन ए ग्रेफाइट लेयर, प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है ग्रेफाइट लेयर में इज ज्वाइंट टू थ्री कार्बन एटम्स। ये क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा कार्बन का स्ट्रक्चर जो एटॉमिक नंबर है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इस नाते फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा फुलफिल होते हैं और दूसरी ऑर्बिट हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे पहले आपने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस देखा ही है, लास्ट वीडियोज में भी सुने हैं कि अब भाई हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन लेने की उम्मीद करेंगे। तो ये बहुत ही टिपिकल कंडीशन होगा कि जिसमें कोई 4 इलेक्ट्रॉन हमें देगा, तो ऐसी कंडीशंस में जो भी हमारा वर्कआउट होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड पर होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड पर वर्क करने के लिए हम कहां से क्या वर्क करते हैं, कौन सी फीचर्स को यहाँ अडॉप्ट करते हैं, उन सारी विषय में एलोट्रॉप्स बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंट टू थ्री कार्बन एटम्स, इसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं। अब आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं इनको देखने की जरूरत है। तो ज्वाइंट टू थ्री कार्बन एटम्स बाई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके 3 कार्बन एटम्स क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, जिसके कारण एक फ्लैट सीधी क्या बन जाती है, हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम, और प्रत्येक कार्बन एटम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है इज फ्री व्हिच मेक्स इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनने में इसकी मदद करता है। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टूगेदर बाय बी कोंडरवाल्स फोर्सेस, और साथ में जो 3 कार्बन एटम्स की लेयर बनी थी, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन एटम्स की या ग्रेफाइट लेयर्स बनी थी, वो ग्रेफाइट लेयर्स कैसे प्रिपेयर होती है, बी कोंडरवाल फोर्सेस के द्वारा। बी कोंडरवाल फोर्सेस का मतलब कि एक ऐसा कोवेलेंसी कहने का मतलब कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो वीक फोर्सेस के द्वारा बना होता है। वो वीक फोर्सेस कौन से होते हैं, वंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं, और ये 3 कार्बन एटम्स पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ए ग्रेफाइट आर हेल्ड टूगेदर बाय वीक वंडरवाल्स फोर्सेस, ये कैसे जुड़े होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा जुड़ करके एक लेयर बनाते हैं। So these can slide over one another, जिसके कारण एक कार्बन एटम दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं, लेकिन उनके चिपकने की जो फोर्सेज होते हैं वो फोर्सेज बहुत कमजोर होते हैं। एंड therefore graphite is slippery to touch, जिसके कारण graphite
स्लिपरी होती है, कहने का मतलब स्लिप करने वाली होती है, फिसलने वाली होती है, और जैसे ही टच करते हैं वो हाथ से स्लिप कर जाती है। कहने का मतलब कि इसमें जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रेफाइट लेयर बनती है, वो ग्रेफाइट लेयर वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण कमजोर फोर्स लगे होते हैं, वीक फोर्स लगे होते हैं, तो जब हम ग्रेफाइट को टच करते हैं तो ये एक दूसरे से चिपके होने के कारण स्लिप कर जाते हैं। स्लिप करने का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्ट्रांग फोर्सेस से जुड़े होते तो ये स्लिप नहीं करते, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बनाते जो डायमंड में होता है, लेकिन ये वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, वीक फोर्सेस से जुड़े होने के कारण जैसे हम इनको टच करते हैं स्लिप कर जाते हैं, मतलब कि इनका नेचर स्लिपरी हो जाता है, जिसके कारण ये पेंसिल लीड्स या अनदर वर्क में हम काम कर सकते हैं, पेंटिंग में काम कर सकते हैं, कलरिंग में काम कर सकते हैं, कई जगह इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन लेयर्स बनाते हैं, ग्रेफाइट लेयर्स बनाते हैं, वह स्मूथ और स्लिपरी होने के कारण जहां भी हमें जरूरत होती है, मतलब कि जिसे कहते हैं कि ड्राई पेंटिंग वगैरह करने का काम, वो सारा काम हम इससे कर सकते हैं। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपने देखा ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को प्रिपेयर करता है, कहने का मतलब कि वह इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने में ग्रेफाइट की मदद करता है, लेकिन ये हीट कंडक्टर नहीं होते, जबकि डायमंड क्या होता है, हीट कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। तो दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, इसी नाते हमने कहा कि एलोट्रॉप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बन एटम्स बिकॉज इट इज डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद फिर हम आगे फुलरेन्स के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगे आज जो एलोट्रॉप्स के मेन टॉपिक्स थे वो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन्स थे। तो अब फुलरेन्स के विषय में बात कर लेते हैं। फुलरेन्स आर रिसेंटली डिस्कवर्ड। फुलरेन्स क्या होता है, बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर्ड है। रिसेंटली डिस्कवर्ड का मतलब जल्दी ही इसकी खोज की गई है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, तो जाहिर सी बात है एलोट्रॉपी तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड, या कैसे तैयार किया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम, लेजर बीम का मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पर जो रेज ऑफ लाइट होती है वो रेज ऑफ लाइट सामान्य तौर पर इस पर डाली जाती है। तो लेजर बीम डालने का मतलब ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है उसका समूहबद्ध रूप से इन सब्सटेंस पर पड़ना या कार्बन एटम्स पर पड़ना। तो लेजर बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट, लेजर बीम्स ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है कि ग्रेफाइट को वेपराइज कंडीशंस में लाया जाए। तो वेपराइज कंडीशंस में कब लाते हैं, जब टेम्परेचर काफी हो जाए। टेम्परेचर होने की कंडीशंस में क्या करता है कि ग्रेफाइट लिक्विड अवस्था में, मतलब हाई टेम्परेचर देने पर फिर वेपराइज स्टेज में आ जाए। तो जो लेजर बीम होती है उस लेजर बीम के माध्यम से क्या करते हैं, फुलरेन्स प्रिपेयर होते हैं। कहने का मतलब आप गांव में दीपक को देखा होगा, दीपक जलता है तो सामान्य तौर पर उसमें बत्ती लगी होती है, किरोसिन ऑयल के द्वारा जलता है। अब उस किरोसिन ऑयल के द्वारा जो जलता है तो आप देखते हैं कि वहां बत्ती कभी कभी हीट होकर के एकदम रेड कलर की हो जाती है, और रेड कलर का होने के बाद फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम भी दीपक को बुझा दिया जाए तो ग्रेइश ब्लैक कलर का एक विशेष अवशेष छोड़ देती है। वही अवशेष मेनली फुलरेन्स के ही फॉर्म में होता है। तो वही चीज ये कहना चाह रहे हैं कि वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट, वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट का मतलब कि जब किरोसिन ऑयल को जलाया जाता है, किरोसिन आप देख रहे हैं लिक्विड अवस्था में होता है, तो जलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है हीट बढ़ेगी, और हीट जब कोई लिक्विड स्टेज की बढ़ती है तो क्या करता है, वेपर के फॉर्म में निकलने लगता है। तो वही चीज कह रहा है कि लेजर ऑफ बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के जलती हुई अवस्था में जब वेपराइज होता है, वेपराइज मतलब वाष्पित होने लगे, तो द फर्स्ट नोन फुलरेन्स वाज C60। इस तरह से एक जो नया रिसर्च किया गया वो C60 के रूप में रिसर्च किया गया, और इस C60 के माध्यम से हम कैंसर मेडिसिन भी बनाते हैं। तो कैंसर मेडिसिन के बनाने के लिए लोगों की जिज्ञासा थी, वो एक के बाद एक रिसर्च कर रहे थे, उसी में इनको अचानक फुलरेन्स के विषय में नॉलेज हुआ। फुलरेन्स एक विशेष तौर का
मतलब आपको एक एलोट्रॉप्स आप कार्बन एटम्स दिखाई दिया, उस पर इन लोगों ने अपने रिसर्च एक के बाद एक नए विचार आने लगे। तो यहां पर सामान्य तौर पर इसका प्रिपरेशन क्या हुआ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट पर जब लेजर बीम पड़ती है, द फर्स्ट नोन फुलरीन वाज C60, और पहली अवस्था जो फुलरीन की आई वह C60 के नाम से जानी गई, अर्थात कार्बन 60 के नाम से उसको जाना गया। और ये कार्बन 60 वास्तव में होता क्या है, वही जो गांव में दीपक वगैरह पहले जलाया जाता था, आज का तो काफी कुछ कम्युनिटी चेंज हो गया, अब उस दीपक की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, यहाँ तक कि उसके एवज में लालटेन वगैरह आया था वो भी खत्म हो गया, अब क्या आ गया, इमरजेंसी लाइट आ गई और सीधे इन्वर्टर और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने लगे हम लोग, चाहे वो एसी वोल्टेज के रूप में या डीसी वोल्टेज के रूप में। तो अब आज की पीढ़ी में नए तौर पर बताया जाए कि बच्चों को दीपक जलाया जाता था तो वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके टाइम में अब हो ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशंस में जो आप ये मान लीजिए कि दूसरा फैक्ट, दीपावली में दीपक जलाया जाता है ना, मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, उसमें बत्ती रखी जाती है, तो वहां तो केरोसिन ऑयल नहीं होता है, वहां पर मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को भी जलाते हैं तो कुछ देर तक जलता है और जलने के आफ्टर सम टाइम बीइंग समाप्त हो जाता है। घरों में पूजा पाठ करते हैं, वहां तिल का तेल जलाया जाता है, सरसों का भी तेल जलाया जाता है, जैसी हमारी नीड्स होती है, जैसी हमारी आस्था होती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये मेनली इफेक्ट किस पर देखा जा सकता है, वो कार्बन एटम्स पर, और कार्बन एटम्स की प्रेजेंटेशंस में ही कोई वस्तुएं जलती हों, चाहे सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, या जितने भी ऑयल्स हों, उस अगर जल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कार्बन मिक्सचर जरूर होता है। तो उसी कंडीशंस को इसने बताया कि लेजर बीम कहाँ डाली जाती है, वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट की वेपोराइज कंडीशंस में, तो हमें फुलरीन्स प्राप्त होती है, और वह फुलरीन्स C60 के रूप में हम जानते हैं। वही C60 से हम कैंसर मेडिसिन भी बनाना शुरू किए, इसके साथ साथ दैट इज कंटेन्स 60C एटम्स, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन की 60 एटम्स कंटेन करते हैं विथ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ C70 बकमिंस्टर फुलरीन। कहने का मतलब कि इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ कि हम सामान्य तौर पर कार्बन 60 के एटम्स को पहले रिसर्च कर लिए, साथ में विथ स्मॉलर प्रोपोर्शन मतलब कि इसमें बहुत छोटा सा समानुपात किसका होता है, कार्बन के अन्य एटम्स का होता है। जैसे C60 हमारी पहली रिसर्च थी, C60 के विषय में जान गए तो फिर आगे एक जिज्ञासा बढ़ी कि आगे भी कुछ इसमें नए सब्सटेंस मिल सकते हैं, कुछ नई चीजें एज ए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मिल सकती हैं, तो उसके विषय में भी हमने जिज्ञास होकर के रिसर्च कंटिन्यू रखा, तो हमें C70 तक की चीजें मिल गई। तो कहने का मतलब विथ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ C70 एंड ट्रेसेज ऑफ कंपाउंड्स, और उस पर जो कंपाउंड्स ट्रेस किए गए इवन अप टू 370C एटम्स, मतलब कि कार्बन के 370 एटम्स तक की स्ट्रक्चर फाइंड आउट की गई। कहने का मतलब कि उस समय के केमिस्ट जो अभी रिसेंटली रिसर्च करने का मतलब कि 20th सेंचुरी का डिस्कवरीज हैं। तो 20th सेंचुरी की डिस्कवरीज में वहां पर देखा गया कि कार्बन के 60 एटम्स से लेकर 370 एटम्स तक कार्बन के पुनः रिसर्च किए गए, और रिसर्च किए गए तो उनमें क्या क्या चीजें हमें मिली उसके विषय में हमें विशेष स्टडी करने के लिए यहाँ पर मजबूर होना पड़ता है। इसी के कारण एलोट्रॉप्स थ्योरी ऑफ कार्बन एटम्स रीडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर इसने बताया कि मीन्स फुलरीन C60 वाज नेम्ड बकमिंस्टर फुलरीन, मतलब कि बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर भी C60 का नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने इस C60 को डिस्कवर करने में विशेष भूमिका निभाई थी। ड्यू टू देयर रिजम बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब इनका स्ट्रक्चर्स कैसे स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट किया जाए विथ जियोडेसिक डोम्स का मतलब कि मतलब जो इसमें एक रिंग्स टाइप का बनता है, जियोडेसिक का मतलब जियो मीन्स अर्थ होता है पृथ्वी, और डेसिक डम्ब के आधार में, कहने का मतलब कि एक इसका डंबल जैसा शेप बनेगा
और वह डंबल जैसा शेप जो कार्बन का होता है वही इसका मेन स्ट्रक्चर्स होगा। तो वही इन्होंने कहा रिसम बैलेंस विथ जियोडेसिक डोम्स डिजाइंड एंड बिल्ट बाय द अमेरिकन आर्किटेक्ट आर बकमिंस्टर फुलर। मतलब ये क्या थे, एक अमेरिकन आर्किटेक्चर थे और वह इन्होंने इसकी डिजाइनिंग की। कहने का मतलब फुलरिंस की वास्तविक अवस्था बताया कि फुलरिंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस स्ट्रक्चर्स के विषय में हम आपस में डिस्कस करते हैं। इसका कुछ हम विशेष तौर पर फिगर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। वह फिगर हमारा सामान्य तौर पर कैसा होगा, वो एक मतलब एक नए ढंग का फिगर जो सामान्य तौर पर हम यहाँ पर फुल स्टेप में अडॉप्ट करेंगे कि फुलरिंस और ग्रेफाइट दोनों के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो एनिमेटेड ढंग से आपको दिखाएंगे। एनिमेटेड ढंग से दिखाने में थोड़ा सा और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा कि कार्बन एटम्स क्या हैं, कार्बन एटम्स की एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसकी सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है C62 C370। इस तरह से देखा जाए तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में जो फुलरिंस था उसका एक विशेष योगदान था। तो इसका नामकरण भी किसके आधार पर कर दिया गया, बकमिंस्टर फुलरिन, जो इन्होंने इसकी डिजाइनिंग दी थी और इसका स्ट्रक्चर्स भी बनाने में जियोडेसिक डोम्स के रूप में इसका स्ट्रक्चर बनाया। इसके नाते इस एटम्स का नाम फुलरिंस रखा गया, साथ में फुलरिंस रखने से उनका नाम भी आ गया और साथ में उनकी रिसर्च के प्रति एक मोटिवेशनल इफेक्ट पड़ा कि भाई इन्होंने रिसर्च किया था तो इनके नाम पर ही रखा जाए। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट एक ही है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम्स, इट मींस कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। दूसरा इसमें मेन अप्रोच क्या था कि C60 जो है हमारा कैंसर इलाज करने के लिए मेडिसिन के काम में आने लगी। तो इस तरह से देखा कि कार्बन एटम्स हमारे इस रहन सहन में जो हमारे एक मॉडर्न कम्युनिकेशन है इसमें भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन एटम्स के विषय में एक नई क्रांति आ गई थी, तो उसके विषय में कह रहा है द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नोन टूडे इज अबाउट 3 मिलियंस। मतलब एक दो नहीं, 3 मिलियंस के बराबर कार्बन एटम्स खोज में आने लगे हैं। उनके विषय में लोगों की एक नई जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और यही जिज्ञासा आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में डिस्कवर्ड होती है। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांच होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो आज हमारे मॉडर्न मेडिसिन एंड कम्युनिकेशंस, या हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न हेल्थ एंड इट्स सुपीरियरिटीज के विषय में डिस्कशन करते हैं। तो ये दोनों चीजें इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू होती हैं और वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो मेन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। तो इस पर भी डिस्कस करते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ लार्ज कार्बन एटम्स आर, कार्बन एटम्स के लार्ज फीचर्स क्या होते हैं, वो कैटिनेशन। सामान्य तौर पर कैटिनेशन का वर्क जो करते हैं, मतलब इसमें कार्बन एक दूसरे कार्बन अप्रोच से, जैसे अभी आपने देखा C62 C370 तक के नए कार्बन एटम्स रिसर्च में आए, उनके एलोट्रॉप्स मॉडल भी डिफरेंट दिखने लगे। इसी के साथ साथ आगे फिर हम देखते हैं टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स में सामान्य तौर पर क्या होते हैं, कार्बन कार्बन से शेयरिंग कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। इसके साथ जो लेटेस्ट रिसर्च आती है सेकेंड और थर्ड, कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कि कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड्स एक से अधिक अवस्था में बनाए जा सकते हैं और उनके विषय में डे टू डे एक नई रिसर्च एक के बाद एक सामने आ रही है। तो हमने सामान्य तौर पर देखा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम्स के विषय में काफी कुछ डिस्कशन किया और जो कुछ हमें समझ में आया उसको हमने अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश किया। तो आपने देखा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम्स के विषय में एक छोटी सी चीज एक बहुत बड़ी रिसर्च करने के लिए तैयार है, बस जरूरत क्या है कि हम कितने जिज्ञासु हैं, कितने अच्छे ढंग से उसका हम यूज कर सकते हैं। इसी के कारण एलोट्रॉप्स फीचर्स ऑफ कार्बन एटम्स स्टडी करना अति आवश्यक हो जाता है। अगले वीडियोज में
फिर अब हम किसके विषय में बात करेंगे? सामान्य तौर पर हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा उसमें नामनक्लेचर भी लाएंगे, और नामनक्लेचर और इनके साथ अभी हम दो वीडियो कार्बन एटम्स पर देंगे, और हमारा पूरा विश्वास है कि कार्बन एटम्स पर ये दो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ साथ कार्बन एटम्स खत्म कर देंगे। थैंक यू।